प्यारे बच्चों, आज असी तुहाडी कक्षा 8 दी पंजाबी दा तीजा पाठ रानी साहिब कौर दे प्रश्न उत्तर करांगे। बच्चों, पिछले पाठ असी कर दित्ते हन, उन्हां ते वीडियो बना दित्ती है, तो तुसी आपदा काम उस वीडियो नूं वेख के कर सकदे हो। बच्चों, पहला है साडे संक्षेप उत्तर वाले प्रश्न। प्रश्न पहला है, केड़े ख्यालां ने रानी साहिब कौर नूं टिक के ना बैठन दिता। इसका उत्तर है बच्चों, रानी साहिब कौर ने जदो रियासत पटियाला दी निगरदी हालत बारे सुनिया ता उसका दिल कंब उठिया। जदो रानी साहिब कौर नूं पता चलिया कि पटियाला दी रियासत दे हालात बिगड़दे जा रहे हन ता उसका दिल कंब उठिया, वो डर गई। पटियाले नाल इक तां पेकियां दे रिश्ते कारण मोह, दूसरा कौम दी रियासत ते तीजा साहिब सिंह नाल बैन दा प्यार, इन्हां ख्यालां ने उसनूं टिक के ना बैठन दिता। प्रश्न दूजा है, बीबी साहिब कौर ने पटियाले आके रियासत दे प्रबंध नूं कीवें ठीक कीता। जदों उसनू पता चलिया कि पटियाले दे हालात खराब हुंदे जांदे हन ता उह पटियाले आ गई रियासत नू संभालन लई। तो बच्चों, इस प्रश्न दा उत्तर है, पटियाले आके बीबी साहिब कौर ने रियासत दे अमीरां वजीरां ते दरबारी सरदारां नू इकट्ठा कीता ते रियासत दी सारी हालत दस के प्रबंध दी वागडोर आपने हत्था विच ले ली। पर महकमे दी निगरानी आपने हत्था विच लेके उसने राज दे अंदरले प्रबंध नू सुधारन लई वड्डी खोर सरदारां नू सजावां दित्तियां। इस तरह 2 सालां दी कठिन मेहनत पिछों बीबी साहिब कौर ने अकलमंदी ते बहादरी नाल सारे प्रबंध नूं ठीक कर लिया। प्रश्न तीजा है, मरहटियां दा मुकाबला करन लई रानी साहिब कौर ने अपने भाषण विच की कुछ किया। तो इसका उत्तर है, मरहटियां दा मुकाबला करन लई रानी साहिब कौर ने शाही दरबार लाके आपने सरदारां ते दरबारियां नूं भाषण दिंदिया कहा कि सानू मल वजीर दियां चालां कारण मरहटियां दे मुंह नूं खून लहू लग चुका है, उह पटियाले नूं लुटना ते अपना गुलाम बनाउना चाहुंदे हन। जे उह अपनी इज्जत नूं बचाउना चाहुंदे हन तां उन्हां नूं इस दा मुल कुर्बानी विच तारना पवेगा। इस लई उन्हां नूं इकट्ठे होके धर्म युद्ध विच जुझना चाहिदा है। इह उन्हां सब लई इम्तिहान दा वक्त है। तो बच्चों, भाषण विच रानी साहिब कौर ने अपने दरबारियां ते जो उसदे सरदार सी उन्हां नूं भाषण दिता। प्रश्न चौथा है, रानी साहिब कौर ने मरहटियां दी फौज नू किस तरह हराया। जदो दिन भर दी लड़ाई विच दोवें धीरां सिर धड़ दी बाजी ला के लड़ियां तां संझ पैन करके लड़ाई मट्ठी पै गई। रानी साहिब कौर ने अपने सरदारां नू कहा कि इस समय ओना दे वैरी थके टूटे हन, हुन उह आपने तंबुआ विच बेसूरत पए हन। जेकर उह रात नू उना उपर हमला बोलन ता उह ना नस सकनगे ते ना ही लड़ सकनगे। सरदारा ने रानी दी गल मन के रात नू अचनचेत अचानक मरहटियां उपर भयानक हमला बोल दिता। 1 घंटे दी लड़ाई पिछों मरहटियां दे पैर उखड़ गए ते उह मैदान छड़ के दौड़ गए। इस तरह रानी ने मरहटियां नू हरा के जित प्राप्त कीती। प्रश्न पंजवा, पाठ दे आधार ते रानी साहिब कौर दा जीवन अपने शब्दां विच लिखो।
तो बच्चों तुसी पाठ पढ़िया है, पाठ दा सानू इत्थे सार दसना है, रानी साहिब कौर दे जीवन दे बारे दसना है अपने शब्दां विच। ठीक है बच्चों, इसका उत्तर है रानी साहिब कौर पटियाले दी बहादुर स्त्री सी, उह फतेहगढ़ दे सरदार जैमल सिंह नाल व्याही होई सी। उस दे पिता महाराजा अमर सिंह दी मौत मगरों उसका 7 सालां दी उम्र दा पुत्र साहिब सिंह गद्दी उत्ते बैठा। सिट्टे वजो वारी वारी जिस वजीर ने भी राज दी वागडोर संभाली, उह चलाक ते धोखेबाज निकलिया। फलस्वरूप रियासत दी हालत निगरदी गई, खराब हुंदी गई। इस इह खबर जदो रानी साहिब कौर नू पहुंची ता उस दा दिल कंब गया। उह पटियाले नाल पेकियां दे रिश्ते कारण कौम दी रियासत दे खतरे विच पैन कारण ते छोटे भरा साहिब सिंह नाल प्यार कारण टिक के ना बैठ सकी। उह अपने पति तो आग्या लैके पटियाले आ गई। जदो उसनू पता चलिया कि उसदे पेकियां दी हालत बड़ी खराब है, उसका छोटा भरा मुश्किल विच है, तो उह अपने पति कोलो इजाजत लैके पटियाले आ गई। पटियाले आके उसने राज दी वागडोर अपने हथ लै लई ते वड्डी खो सरदारां नू सजावां दे के 2 सालां विच सारा प्रबंध ठीक कर दिता। इन्नी दिनी अंग्रेज अफसर थॉमसन ने जींद दी रियासत उपर हल्ला बोल दिता, हमला कर दिता। जींद दे महाराजे दी फौज उस दे सामने टिक ना सकी। इह खबर सुन के रानी साहिब कौर आप फौज लैके उत्थे पुजी ते उसने थॉमसन दी फौज नू जींद विचो कढ दिता। 1794 विच रानी साहिब कौर ने नू हरकारे राही खबर मिली कि अंटा राउ मरहटा फौज लैके आ रिया है ते उह पटियाले उपर अचानक हमला करन दा इरादा रखदा है। रानी ने एक शाही दरबार लाके अपने सरदारा ते दरबारियां नू भाषण देके किया कि उन्हां नू अपनी आजादी दी रखिया लई अंटा राउ दा टाकरा करन लई डट जाना चाहिदा है, मुकाबला करना चाहिदा है सानू अंटा राउ दा। उस दे भाषण नाल सबदा खून खोल उठिया ते जंग लई तैयार हो गए। मर्दानपुर विखे अंटा राउ ते लक्ष्मण राउ 30,000 दी फौज लैके आ गए ते रानी दी 7,000 सूरमे लैके मैदान विच आ गई। तो बच्चों अंटा राउ दी जेड़ी फौज सी ओ 30,000 सी ते रानी दी फौज सी ओ 7,000 सी। ठीक है, ते रानी आपदी 7,000 दी फौज नू लैके मैदान विच आ गई। जंग शुरू होन तो पहला रानी ने अंटा राउ नू चिट्ठी लिख के किया कि पटियाला एक सिंह रियासत है जिसदी इज्जत ते कौमी अनख इस गल दी अग्या नहीं दिंदी कि बिना किसे कारण उसदी प्रजा नू लुटिया पुटिया जावे अते उह चुप चाप बैठे रही। उसने उसनू वापस मुड़ जान जा जंग विच दो हथ करन लई किया। ते उसने रानी ने अंटा राउ नू चिट्ठी विच लिखिया या ता उह वापस मुड़ जाए या फिर जंग लड़ ले लवे। इस पिछो दोहां धीरां विचकार भयानक युद्ध शुरू हो गया। बहुत मार वड होई, अंत शाम पैन नाल लड़ाई मठी पै गई। रानी साहिब कौर ने सरदारा नू सलाह दित्ती कि उह राती सुते पए वैरियां उपर अचानक हमला बोलन। सिंगा ने इसे तरह ही कीता। 1 घंटे दी लड़ाई पिछो मरहटियां विच बाजड़ पै गई ते रानी साहिब कौर नू फतेह प्राप्त हुई, जीत प्राप्त हुई। इस प्रकार रानी साहिब कौर दा नाम पटियाला राज घराने दियां बहादुर राजकुमारियां ते महारानियां विच्चों सब तो पहला लिता जांदा है। जो प्रश्न छठा है, हेठा पंजाबी ते हिंदी दे एक अक्षर रखदे वखरे वखरे शब्द दिते हन, एना नू ध्यान नाल पढ़ो ते समझो। बच्चो इस प्रश्न विच
ਤਾਂ ਬੱਚੋ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਸ਼ਬਦ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਾਂਪਣਾ, ਕਾਂਪਣਾ ਬੱਚੋ ਹਿੰਦੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਬਕਿ ਕੰਬਣਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਅਹਿਮ, ਅਹਿਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਅਣਖ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਮਕ ਹਰਾਮ ਨੂੰ ਲੂਣ ਹਰਾਮ। ਆਕਰਮਣ, ਹੱਲਾ। ਮਾਇਕਾ, ਪੇਕੇ। ਰਿਸ਼ਵਤ ਖੋਰ, ਵੱਡੀ ਖੋਰ। ਸ਼ਰਮ, ਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੱਤਵਾਂ ਹੈ, ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਮੁਖੀ ਤੇ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਦੋਹਾਂ ਲਿਪੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹਨ, ਸ਼ਬਦ ਜੋੜਾ ਤੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਬੱਚੋ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਬਲਨਾ, ਸ਼ਾਮ, ਬਾਗਡੋਰ, ਬਿਗੁਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੱਚੋ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਨੀਚੇ ਉਸਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ। ਉਬਲਨਾ, ਉਬਲਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਬਲਨਾ। ਬਾਗਡੋਰ, ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੈ ਬੱਚੋ ਬਾਗਡੋਰ, ਔਰ ਸੰਝ, ਸੰਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਬੱਚੋ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਤੇ ਬਿਗਲ, ਬਿਗੁਲ ਵਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਬੱਚੋ ਬਹੁ ਵਿਕਰ, ਬਹੁ ਵਿਕਲਪੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬੱਚੋ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਪਹਿਲਾ, ਠੀਕ ਉੱਤਰ ਅੱਗੇ ਸਹੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਓ। ਤੋ ਬੱਚੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਤਿੰਨ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਰ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਰਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਜੀਂਦ ਆ ਗਏ, ਪਟਿਆਲਾ ਆ ਗਏ ਜਾਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਆ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ। ਤੇ ਇਸਦਾ ਆਏਗਾ ਅ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਹੈ ਪਟਿਆਲਾ ਆ ਗਏ। ਅਗਲਾ ਹੈ, ਟਾਮਸਨ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਰਿਆਸਤ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਬੱਚੋ ਇਸਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜੀਂਦ। ਔਰ ਅਗਲਾ ਹੈ, ਮਰਾਠੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਕਿੰਨੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਬੱਚੋ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਰਾਠੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਸੀ ਉਹ 30,000 ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਲਾ ਹੈ, ਰਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਅਤੇ ਮਰਾਠੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਯੁੱਧ ਕਿਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਤੋ ਬੱਚੋ ਇਸਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਮਰਦਾਮਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਮਰਦਾਨਪੁਰ। ਔਰ ਅਗਲਾ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਰਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਦੀ ਫੌਜ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ, ਰਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਦੀ ਫੌਜ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਬੱਚੋ 7,000। ਅਗਲਾ ਹੈ ਬੱਚੋ ਛੋਟੇ ਉੱਤਰ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਪਹਿਲਾ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਦੀ ਤੇ ਕੌਣ ਬੈਠਾ। ਬੱਚੋ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜੋ ਕਿ 7 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ, ਉਸਨੂੰ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੂਜਾ ਹੈ, ਰਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਕਿੱਥੇ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਇਸਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਆਸਤ ਵੱਲ ਕੌਣ ਵੱਧਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਬੱਚੋ ਅੰਟਾ ਰਾਓ ਮਰਾਠਾ ਅਤੇ ਲਛਮਣ ਰਾਓ ਮਰਾਠਾ ਇਸਦਾ ਉੱਤਰ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਹੈ ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਆਸਤ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਮਰਦਾਨਪੁਰ ਵਿਖੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਧੀਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਮਰਦਾਨਪੁਰ ਵਿਖੇ ਰਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਅੰਟਾ ਰਾਓ ਮਰਾਠੇ ਅਤੇ ਲਛਮਣ ਰਾਓ ਮਰਾਠੇ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੰਜਵਾਂ ਹੈ, ਮਰਾਠੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਨੇ ਹਰਾਇਆ। ਤੇ ਇਸਦਾ ਉੱਤਰ ਆਏਗਾ ਬੱਚੋ, ਮਰਾਠੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਦੀ ਅਗਵਾਨੀ ਹੇਠਲੀ ਫੌਜ ਨੇ ਹਰਾਇਆ। ਸੰਖੇਪ ਉੱਤਰ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਤੋ ਬੱਚੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਇਸਦਾ, ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੇ ਰਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਨੂੰ ਟਿਕ ਕੇ ਨਾ ਬੈਠਣ ਦਿੱਤਾ। ਤੋ ਬੱਚੋ ਇਸਦਾ ਉੱਤਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੇ ਰਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਨੂੰ ਟਿਕ ਕੇ ਨਾ ਬੈਠਣ ਦਿੱਤਾ। ਤੋ ਬੱਚੋ ਇਸਦਾ ਉੱਤਰ ਵੀ ਉਹੀ ਆਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਈਓ।
और दूजा प्रश्न है रानी साहिब कौर ने पटियाला रियासत का प्रबंध किवें चलाया। तो बच्चो इसका उत्तर भी असि कर चुके हाँ, शुरुआत विच ही प्रश्न दूजा सी उसका उत्तर ते इसका उत्तर सेम है। अगला प्रश्न है बच्चो तीजा, हरकारे ने की सूचना दिती। इसका उत्तर आएगा बच्चो हरकारे ने रानी साहिब कौर नू सूचना दिती कि अंटा राव मराठे दा ख्याल पटियाले उत्ते अचानक हमला करन दा है, उह रियासत पटियाले वल वधदा आ रिया है। प्रश्न चौथा है बच्चो मराठिया दा मुकाबला करन लई रानी साहिब कौर ने आप भाषण विच की किया। तो बच्चो इसका प्रश्न इस प्रश्न का उत्तर ही असि कर चुके हाँ, उपर तीजा प्रश्न है जेड़ा शुरुआत विच उसका ते इसका उत्तर सेम है। हुन बच्चो प्रश्न आंदा है पंजवा, रानी साहिब कौर दी जित ने की सिद्ध कर दिता। तो बच्चो इसका उत्तर है रानी साहिब कौर दी जित ने यह सिद्ध कर दिता कि देश दे अते इस कौम दे केवल मर्द ही बहादुर नहीं सगो औरतां भी ओना तो किसे गल्लों पीछे नहीं, उह भी लोड पैन ते दुश्मना नाल टक्कर ले सकदियां हन। अगला प्रश्न है बच्चो हेठ लिखे शब्दों की वाका विच वर्तो करो। तो बच्चो ये कुछ शब्द दिते हुए इन्हों का सानू वाक्य बनाना है, सानू एहो जी लाइन बनानी है जिंदे विच ये शब्द आन। तो पहला है बच्चो प्रबंधक, तो सानू पहला तो दसना है कि इसका अर्थ की हुंदा है, प्रबंधक कौन हुंदा है। तो बच्चो प्रबंधक हुंदा है प्रबंध करण वाला, ठीक है। हुण लाइन बनानी है बच्चो, वाक्य बनाना है, प्रबंधकां दी नलायकी कारण यह समागम सफल ना होया, ठीक है। दूजा है बच्चो निगरानी, निगरानी का अर्थ हुंदा है देख रेख। इसका वाक्य बनेगा बच्चो यतीम बच्चे अपने चाचे दी निगरानी हेठ पल रहे हन। तीजा है बच्चो अचनचेत, अचनचेत होता हुंदा है बच्चो अचानक बिना अगाऊ सूचना तो। कल अचनचेत ही उसकी सेहत खराब हो गई। अगला है बच्चो सलाह, सलाह का अर्थ हुंदा है बच्चो ख्याल या इच्छा। इंदा बनावांगे बच्चो वाका तू दस हुन तेरी की सलाह है, तेरा की ख्याल है। अगला है बच्चो बहादुरी, बहादुरी दा अर्थ हुंदा है दलेरी। रानी साहिब कौर ने मराठियां दा बहादुरी नाल टाकरा कीता, मुकाबला कीता। प्रश्न दूजा बच्चो खाली थावां भरो, रानी साहिब कौर तो बच्चो इत्थे आएगा फतेहगढ़ दे सरदार, तो बच्चो दूजे रिकत स्थान विच आएगा जैमल सिंह नाल ब्याई हुई सी। दूजा रिकत स्थान है बच्चो खाली स्थान है रानी साहिब कौर, इत्थे आएगा बच्चो पटियाले आ गई, ठीक है। और तीजा है बीबी साहिब कौर दा खून उबाले खान लगा। अगला है बच्चो दोहां धीरां दी सिर धड़ दी बाजी लगी हुई सी, ठीक है बच्चो। आ जेड़े लाल रंग वाले लिखे हुए हैं आ तुहानू खाली स्थान विच पूरे करने हैं। अगला है बच्चो बहादुर सिंघनी ने सिख धर्म ते देश दी इज्जत बचा ली, तो इत्थे आएगा बच्चो इज्जत, ठीक है बच्चो। इसके उत्तर नीचे लिखे हुए हैं, असी उपर भी भर दिते हैं। प्रश्न तीजा है बच्चो हेठ लिखे पंजाबी शब्दों नू हिंदी ते अंग्रेजी विच लिखना है। देखो शब्द है बच्चो बहादुर, ई तो बच्चो पंजाबी विच है, इसके सामने सानू हिंदी भी लिखनी है ते अंग्रेजी भी लिखनी है। इसका उत्तर बच्चो नीचे लिखिया होया है, ठीक है। बहादुर, बहादुर नू हिंदी विच बच्चो साहसी कहंदे हन ते अंग्रेजी विच ब्रेव कहंदे हन। दूजा है बच्चो खबर, खबर नू बच्चो समाचार कहंदे हन हिंदी विच ते अंग्रेजी विच बोलदे हन न्यूज़। खून, खून नू बच्चो हिंदी विच इस तरह लिखदे हन ते अंग्रेजी विच ब्लड कहंदे हन। लोथ,
लोथ हुंदा है बच्चो शव, ते अंग्रेजी विच इहनू कहिंदे हन कोरपस, फौज। फौज नू हिंदी विच सेना कहिंदे हन ते अंग्रेजी विच आर्मी कहिंदे हन। अगला प्रश्न है बच्चो, हेठ लिखे शब्दां नू शुद्ध करके लिखो। तो बच्चो ये गलत लिखे हुए हैं, अशुद्ध लिखे हुए हैं, सानू इसनू शुद्ध करना है। तो बच्चो इसका उत्तर नीचे लिखा हुआ है। तो बच्चो ये जिहड़ा पहला लिखा हुआ है प्रबंधक अशुद्ध गलत हैगा है, सानू इसनू सही करके शुद्ध लिखना है। तो इसका जिहड़ा र है वो पै दे पैर विच आ जाएगा, प्रबंधक सानू इस तरह लिखना है, ये शुद्ध है। ठीक है बच्चो, दूजा है बच्चो फतेहगढ़, इसनु लिखना है फतेहगढ़। ठीक है, लां दी जगह ते सानू एते सियारी मात्रा लानी है। महकमा, महकमा भी बच्चो इत्थे गलत है, इसनु सही करके लिखना है महीकमा। ठीक है बच्चो, जेड़ा है इस दे अगे सिहारी मात्रा लग जाऊगी। बैरी, बैरी नू बच्चो पंजाबी विच वैरी कहंदे हन, ते बच्चो अशुद्ध हैगा है, आ शुद्ध है वैरी। तूफान, सानू बच्चो इस तरह से एनू इस तरह शुद्ध करके लिखना है। ठीक है, तूफान। बच्चो ए सी तुहाडे तीजे पाठ दे प्रश्न उत्तर। हुण तुसी एना नू प्रश्न उत्तरां नू फटाफट अपनी नोटबुक विच लिख लेना ते एना नू याद भी करना है। ठीक है, थैंक यू।